मॉनसून ने पहाड़ों पर पहुंचने से पहले ही लोगों को डराना शुरू कर दिया। बीते कल भी प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है और आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम विभाग केंद्र ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और इस दौरान लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से प्रदेश के मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी भी कम रहने वाली है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि इन दिनों प्रदेश में तापमान सामान्य चल रहे हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी बढ़ेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। 28 जून यानी कल से 30 जून तक मौसम विभाग केंद्र ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 28 जून के बाद धीरे धीरे बारिश में बढ़ोतरी होगी। मौसम को लेकर मौसम विभाग केंद्र का क्या कहना है, सुनिए। कल 27 तारीख को प्रदेश के जो है क्षेत्र है सोलन, शिमला, सिरमौर, मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा, तो यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और आज और कल के लिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 28 तारीख में से प्रदेश में जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये ग्रेजुअली मतलब पिकअप करेगी, इंटेंसिटी वाइज भी और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी। इसके चलते फिर 28, 29, 30 और 1 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों में जो हमारे इवन जो प्लेन क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं हमारे चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर है, किन्नौर है आपका, इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है और वाइड स्प्रेड एक्टिविटी रहेगी पूरे प्रदेश में ही इसी दौरान। और ये जो पहले देखिए ये 2 तारीख तक जारी रहने की संभावना है और फिर देखिए 28 तारीख को जैसे ही ये एक्टिविटी पिकअप करेगी तो साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी होगी और तेज़ हवाएं भी चल सकती है और कुछ एक क्षेत्र हैं स्पेशली अगर बात करें हमारे हैवी रेनफॉल के लिए भी अलर्ट जारी किया जिसमें हमारे सोलन, शिमला, सिरमौर है, मंडी है, चंबा, कांगड़ा है, फिर बिलासपुर है, तो इन क्षेत्रों में मतलब 28, 29, 30 को हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 1-2 स्थानों में। और इसको देखते हुए क्योंकि देखिए 3 दिन तक हैवी रेनफॉल होने की संभावना है प्रदेश में, तो इसको देखते हुए 29 और 30 तारीख को प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी बताया। देखिए जैसे ही अभी मतलब फर्स्ट पहली होगा आपका जैसे अभी जून में जिसमें हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और काफ़ी क्षेत्रों में बारिश है, मतलब मॉडरेट रेनफॉल पूरे डिस्ट्रिक्ट हमारे प्लेन के मध्यवर्ती क्षेत्र में यहाँ पे होने की संभावना है। तो देखिए जो आपके जो सोर्सेज हैं पानी के सोर्सेज हैं आपके रिवर हैं तो उसके आसपास आप ना जाएं क्योंकि अचानक से आपके वाटर लेवल राइज कर सकते हैं। और जो हमारे क्षेत्र है शिमला है, सोलन है, क्योंकि जो ये आपकी एक्टिविटी है ईस्टली फ्लो से हो रही है तो मतलब इसी दौरान जो ये हमारे क्षेत्र हैं शिमला है, सिरमौर है, सोलन है, तो यहाँ पर आपकी जो विजिबिलिटी कंडीशन है काफ़ी कम होंगी और जिसमें फॉगी कंडीशन होंगी, तो जैसे अगर ड्राइविंग वगैरह करें तो मतलब ध्यान से करें उसमें। वहीं मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए प्रदेश सरकार अभी से सचेत हो गई है और सभी जिलों में प्रशासन को भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। साथ ही जिला प्रशासन को भारी बारिश की स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियां पूरे करने के लिए भी कहा गया है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया जाए। सुनिए प्रदेश सरकार के मंत्री का क्या कहना है। जो आगामी मॉनसून सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है, संभावित है अगले 2-3 दिन में बरसातें प्रदेश के अंदर शुरू होगी, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू आज किया है पूरे प्रदेश के अंदर।